सो गाइस, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। अगर आप यूज कर रहे हैं टेली प्राइम और आपने जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग नहीं की है, तो प्रॉब्लम ये आएगी जब आप परचेज करने के लिए जाओगे तो परचेज करते समय वहां पे इनपुट सीजीएसटी तो शो करेगा बट वो ऑटोमेटिक फिल नहीं होगा। यही प्रॉब्लम आएगी अगर आप जाएंगे इंटरप्रेस करके। यहां से मैं इनपुट एज जीएसटी भी लेता हूँ, उसको भी मैं इंटरप्रेस करूंगा तो वो अपने मन से फिलअप नहीं होगा। अब इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, कैसे हमें जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स करनी है ताकि वो सेटिंग अप्लाई करने के बाद जैसे ही यहाँ पे 9% या मैं इनपुट सी जीएसटी प्रेस करूँ, ऑटोमेटिकली जो भी जितना परसेंटेज होगा उसका वो अपने मन से फिलअप हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स कैसे करनी है, चलिए आपको सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। प्रॉपर सेटिंग के लिए मैं नई कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑल प्लस F3 प्रेस करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑल प्लस F3 प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे एंटर करूंगा, यहाँ पर मुझे कंपनी का नाम डाल लेना है। मैं कोई भी एक नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मुझे एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे एड्रेस में मुझे एड्रेस डाल देना है, एड्रेस डाल दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ से मुझे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मैं स्टेट सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ से पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ। इसके बाद मैं करीबन कंट्रोल लेकर के अपनी इस कंपनी को सेव कर लेता हूँ। अब जीएसटी की अगर आपको सेटिंग करनी है तो जीएसटी की सेटिंग तो जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले ही स्क्रीन पर जैसे आपने कंपनी क्रिएट की है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको दिखाई दे रहा है और ये पहले से ऐसे है। अगर आप चाहे तो यहाँ से ही जाकर आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉपरली सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा मैं एक बार आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। ठीक से जीएसटी अगर आप सीट से साइड सेट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे यस है आपको उसको दोबारा यस प्रेस करना है और यहाँ से आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो नई आपके सामने विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स करनी है। इन केस कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कंपनी जल्दी जल्दी क्रिएट करते हैं और स्केप करके अंदर चले जाते हैं लीजर्स को या प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा है, अगर आप यहाँ से सेटिंग नहीं कर पाते हैं, यहाँ से सेटिंग करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है, रेगुलर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर एंटर करते चले जाना है। आपको कहीं पर दिखाई देगा, आप एक बार देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ सेट ऑल्टर जीएसटी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जा करके कुछ ऑप्शंस को इनेबल करना होगा। तो आप अगर इन कुछ ऑप्शंस को इनेबल ठीक से कर लेंगे तो ही आपका जीएसटी प्रॉपर सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक फिल होकर आने लगेगा। इन केस आप कंपनी क्रिएट करते समय ये भूल गए हो, फिर आप क्या करेंगे, कैसे आप ये चीजों को अप्लाई करेंगे, कैसे आप जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग करेंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल नहीं करता हूँ, मैं अंदर जाके कंपनी के आपको सारी चीजें करके दिखाता हूँ। तो मैं फिलहाल इसमें यहाँ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्केप करके अंदर चला जाता हूँ। और इसके बाद हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अब आप जो भी काम करें, काम करने से पहले आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है जीएसटी को इनेबल करना है और ठीक से इनेबल करना है। अगर आप उसे ठीक से इनेबल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यही आएगी आपके साथ कि आप सारे कुछ करेंगे और जब एंट्री पास कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर अपने मन से जीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसी स्क्रीन पे आपको रहना है और इसी स्क्रीन पे आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस जी प्रेस करना है। ध्यान रखिए ऑल्ट प्लस जी प्रेस करना है। और जैसे ही आप ऑल्ट प्लस जी प्रेस करेंगे आपको जीएसटी डिटेल फिल करने के लिए चले जाना है ऑल्टर मास्टर पे। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा पैन डिटेल्स और उसके ऊपर है जीएसटी डिटेल्स। आपको जीएसटी डिटेल पे चले जाना है और ये वही विंडो है जो कंपनी क्रिएट करने के बाद जो हमने देखा था स्टार्टिंग में वो आई थी। अब यहाँ पर हम प्रॉपर सेटिंग्स करते हैं सारी, एंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपके पास जो डिटेल्स हुआ फिलअप कर देंगे। इसके बाद आप एंटर करते चले जाएंगे। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको फिर से वही ऑप्शन है जो मैं स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया भी था। यहाँ पर दिखाई देता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स जो कि यहाँ पे नो है। आपको क्या करना है, आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। यस करेंगे और देखते हैं फिर से क्या होगा। तो मैं यहाँ पर वाई प्रेस करता हूँ, करता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देना है। तो सपोज मैं एलईडी बल्ब का काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे एलईडी बल्ब या कुछ भी डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भरने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके पास एसएसएन नंबर है तो आप उसे भर सकते हैं। यहाँ पर आपको कर देना है टैक्सेबल और हो सकता है आपके टैली प्राइम में जब आप ये क्रिएट कर रहे हो तो आपको सिर्फ दो दिखाई दे, अभी मेरे में तो खैर चार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वहां पर आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स और किस टैक्स आपको यही दो दिखाई देंगे। आपको इन दोनों टैक्स से जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है आपको उसको इनेबल करना होगा। अब बात आती है इनको हम इनेबल कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपके में यहाँ पर सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स नहीं आ रहा है, तो यहीं से आपको अपने कीबोर्ड का F12 बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो सबसे बॉटम पे आपको देखने को मिल रहा होगा लिखा है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स। आपको नो होगा तो आपको यस कर लेना है। जैसे आप यस करेंगे तो यस करने के बाद वहां पर आप देखेंगे आपको सारे के सारे टैक्सेस वहां पे शो करने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, सपोज यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में डील करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी में भर देना है 19, एंटर कर देना है, बाकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 18 फिल करूंगा तो 18 इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक वो 99 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल और स्टेट टैक्स टोटल मिला के इंटीग्रेटेड सर्किट के इंटीग्रेटेड जीएसटी के बराबर ही होता है। इतना करके आपको एंटर एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हम इसको सेव करा देंगे। अब जो अगला काम वो ये होगा, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको आइटम क्रिएट करते समय ध्यान देना है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं आइटम क्रिएट करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करूंगा, तो ग्रुप में मैं कुछ भी डाल देता हूँ। सपोज मैं डालता हूँ रॉ मटेरियल या फिर मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल्स। एंटर एंटर करके मैं उसको एक्सेप्ट करा लूंगा, एस्केप करके बाहर जाऊंगा। अगले काम में मुझे करना क्या है, अगला प्रोसेस जो होगा उसके लिए मैं आइटम क्रिएट कराऊंगा। आइटम का मैं नाम यहाँ पे डाल देता हूँ एलईडी बल्ब। एंटरप्रेस करूंगा, एंटरप्रेस करूंगा, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मुझे ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना है, यहाँ से पीसे सेलेक्ट कर लेना है। एंटरप्रेस करूंगा और इसको एक्सेप्ट करा लूंगा। इसको एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर बस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, जहाँ पर लिखा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको वाई प्रेस करना है, एंटर कर लेना है। इसके बाद आप इसकी डिटेलिंग फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये है एलईडी बल्ब, तो आप यहाँ पे एलईडी बल्ब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप इसको इलेक्ट्रिकल्स भी मेंशन कर सकते हैं। इसको मेंशन करने से खास कोई दिक्कत आएगी नहीं, इंटरप्रेस कर देंगे, इंटरप्रेस कर देंगे, ऑन वैल्यू रहने देंगे, अननोन को आपको टैक्सेबल करना है। टैक्सेबल करने के बाद आपको टोटल जो भी जीएसटी लगता हो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे और कंट्रोल लेकर के आपको सेव कर देना है। इतना आप करेंगे इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अगला काम क्या होगा, मुझे सबसे पहले कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं बेसिक से, तो मैं बेसिक से लेजर्स में सबसे पहले क्रिएट करता हूँ परचेज का लेजर। एंटर एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा परचेज अकाउंट, और बाकी आपको यहाँ पे किसी भी चीज को टच नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर आपको सर्विस दिखाई दे रहा है उसको आपको बूस्ट कर देना है। बूस्ट करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो उसको सेव कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेल्स करता हूँ, सेल्स के बनाता हूँ, जहाँ पे मुझे एस प्रेस करना है, सेल्स सेलेक्ट कर लेना है, नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे नो, और यहाँ से आपको फिर से बूट्स कर लेना है। कंट्रोल लेकर के हम इसको भी सेव कर लेंगे। अगले में मैं यहाँ पे इनपुट सी जी एस टी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इनपुट सी जी एस टी कर देता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ। इनपुट सी जी एस टी को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखते हैं, तो हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी करेंगे। जीएसटी करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और कर देंगे सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स रहेगा कितना, वो रहेगा 9%। आपको बाकी यहाँ पे कंट्रोल लेकर के उसको सेव कर लेना है। फिर से हमें क्या करना है, इनपुट एस जी एस टी यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, और टाइप करने के बाद मुझे यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना है, फिर से जीएसटी करना है, और इसको कर देना है स्टेट टैक्स, और इसको कर दूंगा 9%, और इसके बाद मैं कंट्रोल ले करके इसको करूंगा सेव। ऐसे ही मैं बना दूंगा सी जी एस टी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सी जी एस टी, इंटरप्रेस करूंगा, इंटरप्रेस करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहने दूंगा, जीएसटी कर दूंगा यहाँ से, सेंट्रल टैक्स इनेबल रखूंगा 9%, यहाँ से इंटर करके कंट्रोल ले करके इसको सेव कर लेना है। फिर से आपको एस जी एस टी टाइप कर देना है, एंटरप्रेस करना है, एंटरप्रेस करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, यहाँ से आपको जीएसटी मेंशन करना है और कर देना है इसको स्टेट टैक्स, यहाँ से आपको 9% सेलेक्ट कर देना है और कर देना है कंट्रोल लेटर के से। ये नॉर्मल सी चीजें थी जिसको आपको बना लेना है। इसके बाद अब आपको करना क्या है, अगर कोई संडी क्रिएटर है जिससे आप माल परचेज करेंगे तो उसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं लेजर पे जाता हूँ, वहीं पे सारी चीजें क्रिएट करके देख लेता हूँ। तो हमने एक फिनिश गुड्स क्रिएट किया था, अब हम जाते हैं वाउचर टाइप पे, एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ से एक रैंडम से कोई भी बिल नंबर डाल देता हूँ, एंटरप्रेस करूंगा। यहाँ से मैं कैश पे ही सारी एंट्री करने वाला हूँ फिलहाल, तो मैं कैश रहने देता हूँ, एंटरप्रेस कर देता हूँ। एंटरप्रेस करने के बाद एक चीज मुझे ध्यान देनी है, यहाँ पे फिर कैश रखूंगा, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम पे, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, चूंकि जो हमने जीएसटी की डिटेलिंग फिल करी थी वहां पर हमने रेगुलर वर्ड का यूज किया था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनरजिस्टर्ड होता है बाय डिफॉल्ट, कैश की इंट्रीज में नॉर्मली ये ज्यादा होता है, और बाकी के जब संडी करेक्टर्स और डेप्टर्स बनाते हैं तो उनको हम रेगुलर में ही मेंशन करते हैं। आपको यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है अनरजिस्टर्ड तो आपको इसको रेगुलर कर देना है, अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ वही इशू आएगा जो मैं बता रहा था, आपको रेगुलर कर देना है और इसको कंट्रोल लेकर के आपको सेव कर लेना है। अब आप परचेज मेंशन कर दीजिए, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ पे डालेंगे, तो मेरे पास एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब में एंटर करूंगा, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी, तो सपोज मैं 500 पीसेस यहाँ पे
परचेज कर रहा हूँ, रेट में डाल देता हूँ, पर पीस का मुझे पड़ रहा है 70 रुपीज। एंटरप्राइज करूंगा, एंटरप्राइज करूंगा और एंटरप्राइज करूंगा। इसके बाद मुझे इनपुट सीजीएसटी लेना है, तो इनपुट आई प्रेस करूंगा और यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है। फिर से आपको इंटरप्रेस करना है इनपुट एस जीएसटी और ये ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है। अब आपको लग रहा है परचेज में तो आ रहा है, सेल्स में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं इस इंटी को कंट्रोल ए करके पास करा देता हूँ। और अब हम अगली इंटी करते हैं सेल में, तो सेल पे चला जाता हूँ। सेल पे जाने के बाद आपको ये भी कैश सेल में करने वाला हूँ, तो फिर से आपको सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ से मुझे अनरजिस्टर्ड जहां पे दिखाई दे रहा है उसको मुझे रेगुलर कर देना है, एंटर प्रेस करके यहाँ से एंटर कर देना है। सेल सेलेक्ट करूंगा और फिर से प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, तो एल प्रेस करूंगा और इसको मैं 450 पीसेस सेल कर देता हूँ। इस बार जो रेट रखूंगा वो मैं रखूंगा 90 रुपीज। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और फिर से एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे दबाना है एस, यहाँ से मैं स्टेट जीएसटी सेलेक्ट करूंगा, देखिए ऑटोमेटिक फिल हो गया है। फिर मुझे यहाँ पे दबाना है सी और ये ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब आप कंट्रोल करके इसको सेव कर लेंगे। तो जीएसटी के प्रॉपर सेटिंग्स आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी ही, आप सारा कुछ कर लेंगे। इसके बाद भी जब आप फाइनल एंट्री पास कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके नहीं आएगा। प्रोसेस में रिपीट कर देता हूं, आपको ऑल्ट प्लस यहां से करना क्या है, ऑल्ट प्लस जी प्रेस करना है। जी प्रेस करने के बाद आपको जाना है ऑल्टर मास्टर पे, यहां से जाना है आपको जीएसटी डिटेल्स पे और यहां से आपको बाकी के प्रोसेस में बता चुका हूं। आपको जहां पे दिखाई दे रहा है सेट जीएसटी ऑल्टर रेट्स, आपको यहां पे जाके यस करना है। तो मैं एक बार आपको यस यहां पे करके दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं यस प्रेस करूंगा। उसके लिए मैं यहां से इसको कर देता हूं वाई, एंटर प्रेस करूंगा और बाकी की डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। यहां से आपको टैक्सेबल रखना है, टैक्सेस आप डिफाइन कर देंगे, अगर कम टैक्सेस दिखाई देंगे तो आपको F12 शॉर्टकट का यूज करना है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई एम श्योर वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे आप प्रॉपरली जीएसटी इनेबल करेंगे अपने गूड्स के लिए। वीडियो पसंद आया ऐसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।